सब्सक्राइब कीजिए देसी इंजीनियर चैनल को और बेल की घंटी बजा दीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर और आज का ये वीडियो है ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड। अगर आपने कभी वीडियो एडिटिंग किया हो या आप यूट्यूब पे काम करते हो या किसी और प्रोजेक्ट पे काम करते हो और आपको कभी वीडियो एडिटिंग में ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा इफेक्ट को यूज करने की जरूरत पड़ी हो तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी झेले होंगे, कुछ इश्यूज भी आई होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इश्यूज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो ग्रीन स्क्रीन होता है इसके साथ प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर लाइट प्रॉपर ना हो या फिर जो ड्रेस हमने पहना हुआ है ये प्रॉपर ना हो तो जो ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट है वो खराब हो जाता है। तो आज के इस टेस्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की ड्रेस सबसे अच्छी होती है और लाइटिंग कैसी होनी चाहिए या और आप बैकग्राउंड किस तरीके का आप रखो तो आपको ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिले। तो चलिए मैं आपको अलग अलग ड्रेस पहन के अलग अलग ड्रेस में दिखाऊंगा कि कौन सा ड्रेस अच्छा है और कौन सा ड्रेस सही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये लाइट जो है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस तरीके की लाइट होनी चाहिए और ज्यादा पीछे लाइट नहीं होनी चाहिए, वरना जो ग्रीन स्क्रीन है इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें व्हाइटनेस आ जाएगी या इसमें ब्राइटनेस ज्यादा आ जाएगी और प्रॉब्लम करेगा। तो लाइट सबसे पहले प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे अभी मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये बिल्कुल ब्राइट है और इसकी वजह से आपको काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा। यहाँ पे साइड में ये अपने आप ही बॉर्डर सा बन रहा है और काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छा है ग्रीन स्क्रीन के लिए। इसके अलावा चलिए देखते हैं दूसरे ड्रेसेस, दूसरे कलर के ड्रेसेस में क्या इफेक्ट आता है। ये दूसरा ड्रेस है, इसमें भी ब्राइट कलर है और बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन के अपोजिट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है अभी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका रेड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है, ये भी ब्राइट कलर है और रेड है, रेड के साथ ये थोड़ा सा मिक्स भी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये येलो और लाइट येलो ड्रेस है, इसमें आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है और इसमें ब्लैक धारियां भी बनी हुई है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट इसमें आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सेम लाइट है, सब कुछ है, लेकिन ये जो ड्रेस है थोड़ा सा पुराना सा है और लाइट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये भी आप देख सकते हैं ये लाइट येलो है, सेम लाइट है, सब कुछ ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये शर्ट है और इसमें जो ड्रेस है इसमें हल्का चेक में है, तो आप देख सकते हैं अगर इस तरह का कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो क्या इफेक्ट आने वाला है लाइट कलर में। चलिए अब इसके ऊपर मैं एक कोट डाल लेता हूं, फिर देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। ये ब्लू कलर का मिक्स कोट है, तो अगर इसमें हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आपको कैसा दिखता है, लाइटिंग सेम लाइटिंग है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आता है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई कोट है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे कपड़े दिखा रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके काम आएगा। अगर काम आए पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत करके मैं इसे बना रहा हूं। सबसे इंटरेस्टिंग ड्रेस ये है, इसमें चूंकि ग्रीन मिक्स है तो जैसे जैसे मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगा मेरे कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रीन है ये उसके साथ मिक्स हो रहा है और जब मैं ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करूंगा तो ये ग्रीन भी रिमूव हो जाएगा। तो
चलिए देखते हैं, मैंने ये बैकग्राउंड चेंज किया तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। अब देखते हैं दूसरा बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। अब देखते हैं दूसरा बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। अब देखते हैं दूसरा बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। अब देखते हैं दूसरा बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। अब देखते हैं दूसरा बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। अब देखते हैं दूसरा बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया। देखिए मेरे कपड़े का कलर कैसा हो गया, मतलब कपड़े का कलर अपने आप ही चेंज हो रहा है। तो अगर आपके कपड़े में थोड़ा सा भी ग्रीन है तो वो पीछे जो ग्रीन है उसके साथ ये भी गायब हो जाएगा, ये भी ग्रीन स्क्रीन आपका हट जाएगा। तो आपके कपड़े में ग्रीन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने अलग अलग कपड़े में अलग अलग बैकग्राउंड में कैसा इफेक्ट आता है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ ये आपके काम आएगा, क्योंकि जब पहली बार मैंने ग्रीन स्क्रीन चेंज करने की कोशिश करी थी तो बहुत दिक्कत आया था, कभी कपड़ा मैच नहीं कर रहा है, कभी लाइटिंग ज्यादा हो रहा है, कभी बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आई थी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपके काम आए। तो अगर आपके ये काम आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।